एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो अभी हम लोग हैं मरीन ड्राइव पे, देख सकते हो, और पीछे का नज़ारा एक बार चेक करो, पूरा भर चुका है। 3 दिन पहले पूरा सही था, बट अभी देख सकते हो पूरा छोटा छोटा झोपड़ी सब होता है, सारा कुछ डूब चुका है। अचानक से पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बात करते हम आते डायरेक्ट मुद्दा पे कि अभी हम लोग यहाँ पे हैं क्यों। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपरीलिया शोरूम, जो कि गांधी मैदान है। अभी हम लोग मरीन पे 10 मिनट में चल जाएंगे। तो वहाँ पे जा क्यों रहे, बेसिकली वहाँ पे आया है न्यू अपरीलिया 457। आप लोग को पता होगा, लॉन्चिंग तो बहुत पहले हो रखा था, बट बिहार में जो है वो अवेलेबल नहीं था। अवेलेबल जस्ट वो कल हुआ है, और आज हम लोग जा रहे हैं ब्लॉग बनाने। तो आज है 21 सितंबर, तो मतलब 21 सितंबर को हम ब्लॉग बना रहे हैं, और 22 तारीख को ब्लॉग शाम को 5 बजे आ जाएगा एनी हाउ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम और वो दे सकते हो अश्विन साथ में, अपना बाइक। तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से, बस गांधी मैदान 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। बात हो चुका वहाँ पे, ब्लॉग बनाने के लिए बात कर लिए थे, पहले परमिशन ले लिए थे। वहाँ पे एक भैया हैं जो जान पहचान के हैं, तो अभी वहीं हम लोग जा रहे हैं। और देख सकते हो आज अपना गोप्रो लगाए हुए हैं, GoPro 7। तो देखना है क्वालिटी में थोड़ा सा अगर डिफरेंस लगे तो उसके लिए सॉरी, ऐसा तो कुछ पता नहीं चलेगा, इसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो चलो डायरेक्ट मिलते हैं GoPro पे, और बाकी बातें GoPro पे और फिर जाके शोरूम में करते हैं कि क्या है बाइक और कैसा है क्या नहीं है सारा कुछ। तो चलो मिलते हैं डायरेक्ट GoPro पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, और कुछ शैडो इंटरप्राइजेस करके है अपरीलिया का शोरूम का नाम। आयुष तो अपरीलिया शोरूम गया नहीं है कभी। वहाँ पे एक भैया है, उनसे थोड़ा बातचीत है, तो उन्हीं से बात किए, तो बोला ठीक है आओ ना। टेस्ट राइड के लिए बात किए थे, बट उसके लिए तो अभी अब बात कुछ हुआ नहीं। अब देखो वहाँ पे जाके बात करते हैं, अगर होगा पॉसिबल तो 1-2 दिन में टेस्ट राइड भी ले लेंगे, और अच्छे से वीडियो में आपको दिखाएंगे सारा कुछ। अब देखो जो होता है, आज तो रिव्यू बनाएंगे पूरा अच्छे से, क्योंकि हम भी सामने से नहीं देखे आज तक, जो भी देखे वीडियो में तो आज सामने से हम भी देख लेंगे, कुछ जानेंगे उसके लिए, और आप लोग को भी बताएंगे उसके बारे में क्या है क्या नहीं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितने का माइलेज है ऑन रोड पटना में बिहार में, कितने का आने वाला है सारा कुछ। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, अब डायरेक्ट मिलते हैं शोरूम पे। गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपरीलिया का शोरूम, और ये रहा। पहले तो दिखा देते की, फिर उसके बाद बाइक को दिखाते हैं। तो देख सकते हो कुछ नॉर्मल की है, मतलब कि स्कूटी का जैसा आता है उसी तरीका का की है, इसका कुछ अलग नहीं है। और ये रहा इटालियन ब्यूटी, देख सकते हो क्या ही हैवी लग रहा है। पहले इसका चाबी लगाते हैं, और फिर इसके बाद इग्निशन देते हैं, और आप लोग को दिखाते हैं इसका DRL। ये चेक करो क्या ही सेक्सी लग रहा है यार एकदम। और ये DRLs हो गया इसका, और ये हेडलाइट्स, और ये फॉग लाइट, जो कि अभी गाड़ी चालू करेंगे तभी जलेगा। और इसमें एक खास चीज़ है, जो कि इसमें आप लोग एक कॉमन चीज़ नहीं देख पा रहे हो, जो कि इंडिकेटर। इसमें देखते हो इंडिकेटर नहीं, इसके इंडिकेटर इसी में इंक्लूड है। देखो अभी जैसे कि इंडिकेटर दिया, ये चेक करो, ये बहुत कम लोग ने बताया है ये चीज़ को। ये देखो इंडिकेटर इसी में है, अलग से नहीं दिया। ये चीज़ बहुत अच्छा है, और बहुत एग्रेसिव आने से फील कराता है। इंडिकेटर की वजह से थोड़ा भद्दा हो जाता है लुक, तो इसको पहले बंद कर देते हैं। अरे यार बंद हो जा। तो देख सकते हो बंद कर दिए। और इसके आगे देख सकते हो अपरीलिया का यहाँ पर मैट में आपको मिल जाता है एक स्टिकर, और यह विंडस्क्रीन जो वाइट होता है। और फिर बात करते हैं यहाँ पे मिरर, जो कि फोल्डेबल मिरर है। ये थोड़ा सा अभी देख सकते हो ये फोल्ड हो गया, और ये ओपन करना हो तो हल्का थोड़ा अभी नया है तो थोड़ा टाइट है, तो उसके ओपन कर दो। और फिर आते हैं नीचे, पहले इसका ये बंद कर देते केस, और नीचे आते हैं। तो नीचे देख सकते हो इसमें एक 10 सेक्शन का टायर मिल जाता है हम लोग को। इधर से आपको अच्छे से दिखाते हैं, एक 10 सेक्शन का यहाँ पर आपको टायर मिल जाता है, देख सकते हो। और ये एरो ग्रिप का इसमें टायर मिल जाता है, और इसमें USB सॉकेट देख सकते हो, और डिस्प्ले भी अच्छा खासा ही मिल जाता है। तो इसमें रिफ्लेक्टर एक, और इधर से एक बार चेक करोगे तो इसका जो साइड लुक है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखता है। और इसमें एरोडायनेमिक टाइप से भी बनाया हो, जिससे हवा पास हो और स्पीड ज़्यादा निकले। तो देख सकते हो आप इधर का लुक देखो, ए लिखा हुआ है, मतलब अच्छा लग रहा है। इधर से साइड प्रोफाइल देख सकते हो। और फिर आगे बढ़ते तो हम लोग दिखाते हैं आप लोग को, ये रहा इसका इंजन, जो कि 457cc का डबल सिलेंडर ट्विन सिलेंडर इंजन है इसमें। तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा गाड़ी रिफाइन है। अभी हम लोग आप लोग को चालू करके भी दिखाएंगे, इसका एग्जॉस्ट नॉट भी सुनाएंगे। तो ये है अपरीलिया का 457 का इंजन, जो कि ऐसे बोल नहीं सकते 400cc का इंजन है, लग रहा है कोई सुपर बाइक का इंजन। तो उसके बाद अंडर वैली एग्जॉस्ट देख सकते हो, अंडर वैली है, अगर फुल रहता तो उधर तक निकला होता, बट ये अंडर वैली एग्जॉस्ट है। और एक और चीज़ आप लोग को दिखाते हैं, जैसे कि हम लोग के बाइक में रहता है इधर से ओपन रहता है, इसकी वजह से मड जो निकलता है इधर से, ये जब डायरेक्ट इंजन को लगता है या तो फिर इसको एग्जॉस्ट पे लगता है, लेकिन इधर से पैक है, इसकी वजह से जो मड निकलेगा इसमें से वो इंजन पे नहीं जाएगा, यहीं पे रह जाएगा। और ऊपर रेडिएटर ग्रिल देख सकते हो, लिक्विड कूल इंजन है तो रेडिएटर ग्रिल ऊपर है बड़ा सा, ये देख सकते हो। तो ये बात हो गया इधर का पूरा आप लोग को बता दिए। और आते पीछे से तो ये एल्युमिनियम में स्विंग आर्म मिल जाता है आप लोग को देखने को। और ये रहा है ये चीज़ देख के आप लोग फील कर सकते हो। जैसे बजाज ये सब में रहता है वैसा ही नॉर्मल है, तो इससे वजह से आपको पता चल सकता है कि ये जो है बाइक इंडिया में ही बना है। मतलब ऐसे तो इटालियन है बाइक, लेकिन ये मैनुफैक्चर इसमें ये इंडिया में ही हुआ है, अपरिलिया 457। तो ये रहा ये फुटरेस्ट का कुछ, और ये सामने का भी एल्युमिनियम का है, और तो क्वालिटी अच्छा है भाई। ये डबल चैनल एबीएस ये तो आप लोग को पता ही हो, क्योंकि 4,90,000 का गाड़ी है, ऑन रोड तो होना ही है। तो देख सकते हो पीछे डिस्प्लेट सॉरी एबीएस प्लेट ये रहा, और आगे का वो रहा एबीएस प्लेट, और पीछे भी टायर मिलता है 150 सेगमेंट का टायर मिल जाता है पीछे, और यूरो ग्रिप का दोनों टायर है सेम। इसमें अगर होना चाहिए था अच्छा पेरेली ये सब का होता तो और अच्छा रोड प्रेजेंस मिलता, बट जो भी दिया सही ही दिया है। आप आगे आफ्टर मार्केट चेंज करा सकते हो। और ये रहा पीछे का सॉकर्स, दो भी बहुत ज़्यादा हैवी दिख रहा है, तो इसमें ऑरेंज कलर दिया हुआ है तो उसकी वजह से और अच्छा लग रहा है। और टायर का तो हो गया। अब पीछे का आपको भी दिखाते हैं उस बाइक में, क्योंकि इसमें दो कलर मिल जाता है, देख सकते हो एक ब्लैक वाला और एक वाइट वाला है। तो पीछे तो वो रैम्प लगा हुआ है, और रैम्प भी बहुत ज़्यादा महंगा है, तो ये रैम्प की वजह से आपको बैकलाइट अच्छे से नहीं दिखा पा रहे हैं इधर से। तो इस कलर में ये ब्लैक भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो पहले ये दिखाते हैं बैकलाइट। तो ये सेंचक को ब्लैक बैकलाइट कितना ही सेक्सी लग रहा है, बैटमैन की तरह। और पीछे ये नंबर प्लेट लगाने वाला, और ये रहा नॉर्मल सा इंडिकेटर जो कि KTM टाइप ही लग रहा है, जस्ट 390 में ऐसा ही देता है। और ये रहा ग्रैब ग्रिल जो कि ये भी यूनिक है, ऐसे नॉर्मल सब में निकला हुआ होता है बट इसमें अच्छा सा है। और सीट का भी कुशनिंग अच्छा ही है, मतलब कि ये चीज़ थोड़ा सा होना चाहिए था, तो इधर से निकला बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, तो ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत है, बट कुशनिंग सही है। पीछे वाला पिलियन के लिए भी कुशनिंग सही है। और ये ब्लैक कलर में वो वाइट कलर में, बस इसमें एक चीज़ मिलता है कि यहाँ पे जो देख सकते हो DRL के नीचे जो AP लिखा हुआ है, और इधर ये चीज़ उसमें नहीं मिलेगा बट इसमें मिलेगा, और इसमें बाकी सब चीज़ सेम है। और ये कुछ इतना ह्यूज सा टैंक, बहुत ह्यूज दिख रहा है, देख सकते हो यहाँ से आपको अच्छे से दिखाते हैं पता चल रहा हो कितना ह्यूज, एकदम बड़ा बल्कि सा। ये थोड़ा प्लास्टिक टाइप मिल जाएगा आपको। और ये सब ये रहा आपका कंट्रोल, ये तो इग्निशन है ऑन करने के लिए। और इससे आप लोग बहुत लोग बोला है ये हेडलाइट के लिए, मतलब पास लाइट के लिए, बट ये नहीं, ये इसको कंट्रोल डिस्प्ले कंट्रोल करने के लिए। देख सकते हो यहाँ से ये डालेंगे तो वहाँ पे कंट्रोल होगा। ये देखो ये इको मोड और रेन मोड स्पोर्ट मोड ये से इससे का हो रहा है, बट बहुत लोग को नहीं पता ये चीज़, तो आपको बता दे रहे हैं। और ये भी उसी कंट्रोल करने के लिए, देख सकते हो यहाँ से आप लोग सब चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूजिक ये सब सारा कुछ। तो बाकी और अभी चालू करके फिर से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये चेन चेक करो, बहुत मस्त यहाँ पे ओपन होता है ये BRSR। और ये तो हम यहाँ से कर दिए म्यूज़िक का नॉर्मल सारा कुछ। आप इस यहाँ पे स्पीड हो गया, न्यूट्रल हो गया, और इधर टेम्परेचर टाइम सारा कुछ देखते हैं, मतलब कि GoPro से कैसा व्यू आता है। तो ये हम बैठ गए और हम चालू करते हैं इग्निशन, स्विच ऑन किया, ये सीन चेक करो, यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है। हमको तो पता नहीं, आपके GoPro आप लोग देख पा रहे होगा। अरे यार, अरे टाइम कुछ ज़्यादा ही बड़ा, ये चीज़ हमको बेकार लगा। मतलब देख सकते हो ऐसे जाके पूरा बड़ा सा, ऐसे बैठने में थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर पाओगे। तो बाकी और कोई दिक्कत नहीं है बाइक में, हैंडलिंग ये सब सारा कुछ मस्त है। लेकिन हम तो इसका टैंक के बारे में, टैंक का इसका जो है 13 लीटर का टैंक है। ऐसे तो दिखने में बहुत ज़्यादा बल्कि ये बड़ा लगता है कि कम से कम 20-25 लीटर का टैंक है, बट 13 लीटर का कुछ अंदर से इस तरीके का है। और माइलेज जैसे कंपनी क्लेम करता है 30 का, लेकिन वो आपको चलाने पे वो करता है वैरी कि आप कैसे चला रहे हो। तो आप जैसे चलाओगे उतना माइलेज निकलेगा। ऐसे तो लेके चलो 25 देगा आराम से, ऐसे 30 कंपनी क्लेम किया। जिसका सबको इंतज़ार होता है वो चीज़ अभी करते हैं। अभी सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट, अंडरबेली एग्जॉस्ट है, तो देखते हैं कैसा आवाज़ निकलता है। तो पहले इसको चालू करते हैं। ये तो न्यूट्रल है ऑलरेडी, तो इसको चालू करते हैं। इसी में दोनों चीज़ें, किल स्विच और इग्निशन देने का, ये अभी ऑफ है, फिर ऑन किया, फिर एक और दिए, पूरा गाड़ी वाइब्रेट करता है। अभी टेम्परेचर कितना है इसका देखना पड़ेगा, अभी तो कुछ दिखा नहीं रहा है, अभी होगा तो फिर पता चलेगा। ये देखो भाई, पूरा गाड़ी वाइब्रेट होता है चालू होने के साथ। तो अभी बंद कर दे इसका। तो भाई चालू होता है तो पूरा गाड़ी हिल जाता है, क्योंकि डबल सिलेंडर है। आवाज़ तो इसका बहुत सॉलिड है। अगर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाओगे आप लोग तो और ही मस्त हो जाएगा एग्जॉस्ट का आवाज़ इसका। और ये रहा दोनों बाइक का लुक। और आप लोग कमेंट करके बताना अगर लेना भी हो तो कौन सा कलर ज़्यादा, एक और कलर इसका है बट ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप लोग बताना। और ये रैम्प, ये रैम्प ही बस 1.5 लाख का है जिस पे बाइक रखा हुआ है, 1.5 लाख का रैम्प है। इसकी वजह से बाइक का लुक और मस्त आ रहा है यहाँ पर। तो ये दोनों बाइक, ये साइड बैक प्रोफाइल और फ्रंट प्रोफाइल दोनों आपको एक साथ दिखा दे, ये चेक करो। और आप लोग बताओ कि क्या छूट गया बनाने के लिए या कुछ, सारा कुछ तो आपको बता दीजिए जो जो होना चाहिए था। और एप्रिलिया का ब्रांडिंग चेक करो एक बार कहाँ पे है, इस पर भी एप्रिलिया का ब्रांडिंग है तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। और इधर नॉर्मल सा स्टिकर एप्रिलिया 457 का। तो चलो सारा कुछ तो बता दिया, अब हम लोग का एक प्यारा सा सिनेमैटिक इन्जॉय करो और बताना कैसा लगा। तो चलो सिनेमैटिक इन्जॉय करो। यहाँ से तो हम लोग निकल चुके थे, अभी हम लोग हैं डाक बंगला, देख सकते हो अभी रेड लाइट है तो सोचो यहीं पे ब्लॉक कर देते हैं एंड। तो ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और बताना कैसा लगा इन्फॉर्मेशन।